एक और बड़ी खबर करो करते हैं भोपाल शहर है, जहां पे आज सोयाबीन की शुरू होगी खरीद। 1400 केंद्रों पर सोयाबीन की खरीद शुरू होगी। 3,44,000 किसान ने कराया रजिस्ट्रेशन। खरीदी गई सोयाबीन का भुगतान ऑनलाइन होगा। एमएसपी पर 31 दिसंबर तक होगी सोयाबीन की खरीदारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। तो आज से खरीदारी शुरू होने जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,992 रुपए पर खरीदारी होगी। 1400 केंद्रों में सोयाबीन की खरीदी होगी। 3,44,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जानकारी के साथ लाइव जुड़ रही है अमृतांशी, आवाज मिल रही है आपको अमृतांशी? आज से खरीदी शुरू होने वाली है सोयाबीन की मध्य प्रदेश जी, तो क्या तैयारी है बताइए जी, आप सवाल कर लीजिए जी। जी जी, आज से सोयाबीन की खरीदारी शुरू होने वाली है, किस तरीके से तैयारी रहने वाली है? देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सालों बाद सोयाबीन की खरीदी सरकार कर रही है, और ख़ास तौर से इस बार अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर ये सोयाबीन की खरीदी शुरू हो रही है। सरकार ने, हम कह सकते हैं कि महीने पहले से जो है वो रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए ओपन कर दिए थे, शुरू कर दिए थे कि किसान जो है वो समर्थन मूल्य पर उनका सोयाबीन बेच सके, इसको लेकर जो है पहले रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके थे। 3,00,000 से भी ज़्यादा किसानों ने अब तक जो है वो खासतौर से रजिस्ट्रेशन सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए करवा लिए हैं, और आज से सरकार 31 दिसंबर तक, यानी कि करीब हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने तक सरकार यहां पर पूरी तरह से अब सोयाबीन को खरीदते हुए नजर आएगी समर्थन मूल्य पर। 4,892 रुपये सोयाबीन की जो समर्थन मूल्य की कॉस्ट है वो तय की गई है, यानी कि जो किसान है वो इस पर अपना सोयाबीन बेच सकते हैं। इसके साथ ही साथ 1400 से भी ज़्यादा अधिक केंद्र यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जहाँ पर किसान जाकर अपने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपनी सोयाबीन बेच सकते हैं। इसके बीच में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संवेदनशीलता के साथ सभी किसानों की मदद की जाए। सभी जो किसान समर्थन मूल्य पर अपनी सोयाबीन बेचना चाहते हैं उसको संवेदनशीलता के साथ खरीदी की जाए और किसानों को पूरा मूल्य मिले, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी ना हो। केंद्र पर उचित व्यवस्थाएं रहें, जहां पर भी रजिस्ट्रेशन वाले किसान पहुंच रहे हैं उनको जो है पूरा समय दिया जाए, उनको सभी चीज़ें समझाई जाए, उनको वक्त दिया जाए कि वो आसानी से अपने सोयाबीन की जो हम कह सकते हैं कि उपार्जन है उसको बेच सकें। सरकार इस बार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर अलग अलग फसलों पर सरकार समर्थन मूल्य देती है, और अब सोयाबीन की खरीदी क्योंकि सालों बाद हो रही है, क्योंकि किसानों ने मांग भी की थी, सरकार ने बात सुनी, प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद अब समर्थन मूल्य पर आज से खरीदी जो है वो शुरू सरकार कर रही है। जितना भी उपार्जन हुआ है, जितना भी सरकार खरीदेगी, वो बेहतर से बेहतर दाम उनको उपलब्ध करवाया जाए, ये सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, और सरकार उसका संग्रहित भी करेगी और जाहिर तौर पर फिर आगे जिस भी तरह से उसका एक्सपोर्ट होगा। लेकिन इस बार देखिए, किसान कहीं ना कहीं खुश भी हैं कि उनको समर्थन मूल्य पर एक बेहतर दाम जरूर मिल सकेगा, और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी जगहों से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे, जहां जहां पर भी सबसे ज़्यादा जो है वो सोयाबीन की जो फसल है उन समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ी तो केंद्र जो है वो बढ़ाए भी जाएंगे, क्योंकि किसान कई बार ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, वो अपना स्लॉट रजिस्ट्रेशन लेकर पहुँचते हैं, लेकिन कई बार केंद्रों पर भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि किसान बड़ी संख्या में पहुँच जाते हैं। ऐसे में अगर केंद्र बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सरकार करेगी, और मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ सोयाबीन खरीदी के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं जी। चलिए, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है, किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आराम से ये खरीद की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपको।